देखिए हम लोग समाजवादी पार्टी में साथ में थे और दरअसल अगर आप ये कहना गलत नहीं होगा कि समाजवादी पार्टी को बढ़ाना, उसको डेवलप करना, उसको आगे बढ़ाना, उसमें बड़ा रोल था मेरा। हमारी पार्टी में जनाब मजीद मेमन साहब थे, अख्तर हुसैन रिजवी थे, बशीर पटेल थे, नवाब मलिक थे, हुसैन दलवाई थे और सोहेल लखोवाला थे, वकार अंसारी थी, हमीदा अंसारी, हमीदा मिस्त्री थी, हमीद मंसूरी थे, बहुत सारे लोग थे पार्टी में। लेकिन जैसे जैसे लोग करीब आते गए उनके, तो उनको देखकर, उनसे बात करके, उनके बिहेवियर को देखकर हमने महसूस किया कि इस आदमी के दिल में कौम का कोई दर्द नहीं है, कोई जज्बा नहीं है, ये नाम के लिए, शोहरत के लिए या कुछ, इनका मकसद कुछ और है जिसके लिए उन्होंने पार्टी बनाई है। तो एक साथ सब ने पार्टी छोड़ दी। आज देखिए मजीद मेमन राष्ट्रवादी के बहुत ही सीनियर एमपी हैं, हुसैन दलवा हमारी पार्टी के बहुत ही बड़े सीनियर एमपी हैं, उसके बाद नवाब मलिक मिनिस्टर रहे, आप देखिए बशीर पटेल एमएलए रहे, सोहेल लखोवाला एमएलए रहे, मैं एमएलए रहा और काफी हमारे साथी जो समाजवादी पार्टी छोड़कर निकले तो सबके सब बहुत आगे बढ़े और बड़ा अच्छा काम किया और कौम की बड़ी खिदमत की। लेकिन अबू आशिम आजमी को आप देखिए कि उनका ग्राफ दिन पे दिन गिरता जा रहा है, लोग उनको समझना शुरू कर दिए हैं और आज उनकी पार्टी में कोई नहीं है, वो अकेले हैं और कोई उनके आजू बाजू नहीं है। इतनी बड़ी पार्टी को बनाने में, डेवलप करने में बड़ी मेहनत की लोगों ने, आज वो सिंगल एक एमएलए की पार्टी रह गई है। अब ये आजकल ब्लैकमेलिंग करते हैं, प्रेशर बिल्ड करते हैं और शायद गलतफहमी है कि कौम उनके साथ में है, जबकि हकीकत यह है कि पूरी कौम उनसे नाराज है, उनके खिलाफ है। सब जान चुके हैं कि यह आदमी खुदगर्ज आदमी है, इसका बहुत बड़ा ईगो है, तकब्बुर मगरूर से भरा हुआ इंसान है। लेकिन दिन पे दिन जब ये बातें सामने आती है तो आज शायद हो सकता है कि बहुत जल्दी उनका दिमाग ठिकाने आ जाए। वैसे कोई पर्सनल नाराजगी नहीं, हमने तो कौम का जो काम करने का बेड़ा उठाया है, हमको इस बात की तकलीफ होती है कि ये आदमी कितना और गिरेगा और कहां तक जाएगा। अब उनका मकसद है समाजवादी पार्टी का कि वो कांग्रेस के वोटों को या सिकुलर वोटों को बांटे ताकि उसका नुकसान कांग्रेस को और एनसीपी को हो और उसका फायदा बीजेपी शिवसेना को हो। ये भी बड़ी घिनौनी हरकत है। हमारे लोग उनसे बात कर रहे हैं, हमारे कौम के दानिश्वर हैं जो उलमाएदीन, उनसे बात कर रहे हैं, उनको समझाने की बड़ी कोशिश करते हैं, लेकिन वो जिद्दी इंसान है, वो नहीं मानेंगे। जब तक कि आप ये बात रिकॉर्ड कर लीजिए कि जहां जहां वो अपने लोग खड़े करेंगे वो सबकी डिपॉजिट जब्त होने वाली है और इनको फिर धूल चाटनी पड़ेगी। वॉइस ऑफ मेमन के जरिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं अपनी कम्युनिटी को? देखिए हम चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान का माहौल बन चुका है, पूरे महाराष्ट्र का ये माहौल है कि जो भी इंसान घर से उतरेगा वो कांग्रेस को और एनसीपी को वोट देने वाला है और ये छोटी मोटी पार्टियां हैं जो वोट काटने के लिए खड़ी हुई है, ये लोग समझ रहे हैं। मैंने पहले कल भी कहा था ये पब्लिक है, सब जानती है, इनको वोट नहीं मिलने वाला, उनकी तमाम कोशिशें बेकार जाएगी। ये चाहे कितने भी जज्बाती बातें करें, कितने भी भाषण दें, कितना भी घूमे फिरे, इनके टोटल उम्मीदवार बहुत बुरी तरह हारने वाले हैं और ये बात मैं रिकॉर्ड पे इसलिए रख रहा हूं ताकि रिजल्ट के बाद आपको साबित कर सकूं कि देखिए मेरी बात सही निकली। क्योंकि आज कौम का हर इंसान जानता है, आज देश का जो माहौल बन चुका है कि इससे पहले इतना बुरा माहौल कभी नहीं था। तो आज तो ये जरूरत थी कि हर कौम का हर इंसान एक साथ आ जाए और कांग्रेस को और एनसीपी को मजबूत करे ताकि मोदी को हटाने में हम कामयाब रहें। लेकिन ये आदमी अलग काम कर रहा है, अल्लाह उनको तौफीक दे।